न्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सावधान हो जाए, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो गुवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्व मंगल मांगल्यं, सर्व कल्याणकारकं, प्रधानं सर्व धर्माणां, जैनं जयतु शासनं। वंदित्तु सर्व सिद्धे, धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुल, नमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशता। सार, समय सार का आचार्य कुंद कुंदेव की वाणी, आचार्य अमृत चंद्र की जवानी। समय सार की गाथाओं का भाव आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका मूल से अपन समझ रहे हैं। 12वीं गाथा तक की चर्चा अपनी पूर्ण हो गई है। आचार्य जैसेन के अनुसार 12वीं गाथा तक संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए समय सार पूर्ण हो जाता है, और अब विस्तार रुचि वाले शिष्य के लिए 13वीं गाथा से चर्चा प्रारंभ होती है। 13वीं गाथा में 3 बातें हैं। चूंकि 11वीं गाथा में कहा था व्यवहार ने अभूतार्थ है, व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देसी दो दुशुद्धणो, शुद्ध नए ही भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 11वीं 12वीं गाथा की टीका के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, इस जीव को अनादि काल से व्यवहार का पक्ष पड़ा है, बहुधा परस्पर उपदेश भी उसी का करते हैं, परंतु उसका फल संसार है। शुद्ध नए का उपदेश विरल है, उसका फल मोक्ष है, इसलिए श्री गुरु दयालु होकर इस ग्रंथ में शुद्ध नए की प्रधानता से उपदेश देते हैं। तो जिस शुद्ध नए को मुख्य करके इस ग्रंथ में उपदेश दिया गया है, उसकी चर्चा यहां से प्रारंभ होती है। साथ ही दूसरी बात, शुद्ध नए के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, तो कैसे होता है। और तीसरी बात, इस ग्रंथ में किस क्रम से निरूपण करने वाले हैं, उसकी चर्चा भी 13वीं गाथा में आएगी। कलशों की चर्चा अपन ने की थी, अमृतचंद्र आचार्य ने 3 प्रकार के कलश लिखे, एक
प्रकरण पूर्ण होने पर उस पूरे प्रकरण का भाव सार लेते हुए कलश लिखा, दूसरा कलश आगामी गाथा की सूचना वाला, और तीसरा पिछले विषय को लेकर के और आगे के विषय को जोड़ने वाला। चूंकि तेरहवीं गाथा की उत्थानिका अमृतचंद्र आचार्य ने कोई गद्य वाक्य में नहीं लिखी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये सातवां कलश है यही तेरहवीं गाथा की उत्थानिका है। इसलिए अपन पहले सातवीं गाथा की, सातवें कलश की चर्चा करते हैं, फिर तेरहवीं गाथा पर पहुंचते हैं। इस सातवें कलश में यद्यपि नव तत्व को प्राप्त होने पर भी जो एकत्व नहीं छोड़ती ऐसी आत्म ज्योति की चर्चा कर रहे हैं, आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, और ये सारा कार्य शुद्ध नय के माध्यम से होता है। अब शुद्ध नय के माध्यम से नव तत्वों में एक आत्मा किस तरह प्रकाशमान होता है, और जब वो एक आत्मा प्रकाशमान होता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ये बात तेरहवीं गाथा में करेंगे। तो अपन पहले सातवां कलश देखते हैं। मैं कलश का पाठ कर रहा हूं, आप सभी शांति से सुने। अतः शुद्ध नयायतम प्रत्यग ज्योतिश्चकास्ति तत् नव तत्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुञ्चति। अतः का अर्थ है यहां से, तत्पश्चात माने बारहवीं गाथा तक चर्चा करने के बाद में, अतः अब यहां से लेकर के शुद्ध नय आयत्तम, शुद्ध नय ने जिसे आयातित किया है, शुद्ध नय ने जिसे निकाल कर रखा है, माने जो शुद्ध नय के अधीन है, शुद्ध नय का जो विषय है, शुद्ध नय ने जिसे प्रकट करके रखा, तत् प्रत्यग ज्योति ही चकास्ति। वह प्रत्यग ज्योति, प्रत्यग शब्द जहां आए वहां बस चार बातें लगा लीजिए, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, इनसे भिन्न कथंचित एकाकार ऐसा जो शुद्ध आत्मा है वह प्रत्यग, वह भिन्नता, माने तीन बातों की भिन्नता करते हैं, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, इनसे भिन्न जो ज्योति है, क्या बचा कि चैतन्य मात्र, वह आत्म ज्योति, वह अप्रकाशित होती है। कैसी? जिसने, जिसको शुद्ध नय ने निकाल करके रखा हुआ है। शुद्ध नय से यदि उस ज्योति को देखा जाए तो कैसे भासित होगी? यत जो नव तत्व गतत्वे अपि, नव तत्वों को प्राप्त होने पर भी, नव तत्व रूप होने पर भी, वो कैसे नव तत्व रूप होती है, अभी तेरहवीं गाथा की टीका में और विस्तार से चर्चा आएगी। नव तत्वों को प्राप्त होने पर भी एकत्वम न मुंचती, वो अपना जो एकपना है, चैतन्य 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 मात्र, उस एक चैतन्य पने को जो नहीं छोड़ती है, ऐसी वह प्रत्येक ज्योति, आत्म ज्योति, आत्म तत्व, वह शुद्ध नय प्रकाशित करता है, शुद्ध नय निकाल करके रखता है, वो शुद्ध नय के अधीन है, शुद्ध नय की विषय है, और वह यहां से प्रकाशित होती है। इस तरह इस कलश में एक तरह से उत्थानिका के रूप में ये बात कही गई। एक बार इस कलश का पद्यानुवाद के साथ में पाठ करें, फिर थोड़ी चर्चा विशेष इस पर करते हुए आगे तेरहवीं गाथा की तरफ बढ़ते हैं। पाठ करवाइए। शाश्वत नहीं दिख रहे, चलिए मैं ही पढ़ता हूं। अतः शुद्ध नयायत्तम प्रत्यग ज्योतिश्चकास्ति तत् नव तत्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुञ्चति।
शुद्ध नयाश्रित आत्मा प्रगटे ज्योति स्वरूप नव तत्वों में व्याप्त पर तजेन एक स्वरूप। या एक सहज प्रश्न हमारे चित्त में खड़ा होता है, हमेशा जब भी तत्वों की बात आती तो हम तो कहते हैं कि सात तत्व होते हैं। किसी पाठशाला के बालक से भी पूछा जाए तत्व कितने होते हैं तो सात तत्व होते हैं। जब तत्व सात होते हैं तो इस कलश में ये नव तत्वगत तत्व भी, नव तत्वों को प्राप्त होने पर भी जो एकत्व नहीं छोड़ता, तो सात तत्व होते कि नव तत्व होते हैं? इसका उत्तर सहज और सरल यही है कि जब पुण्य और पाप इन दो तत्वों को आश्रव और बंध में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि पुण्याश्रव पुण्य बंध, पापाश्रव पाप बंध, पुण्य और पाप आश्रव बंध स्वरूप ही तो है, इसलिए यदि उन्हें आश्रव और बंध तत्व में शामिल कर दिया जाए तब तो सात तत्व रह जाते हैं, और यदि पुण्य पाप को अलग कर दिए जाए, पृथक कर दिए जाए, तो फिर नौ तत्व होते हैं। वैसे समय सार की कक्षा में इनको दोहराने की आवश्यकता तो नहीं, अगली गाथा में नाम आ ही रहे हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप। पुण्य पाप को अलग करना और शामिल करना, इसमें क्या तात्पर्य क्या है? तत्वार्थ सूत्र में शामिल कर दिया, फिर समय सार में उन्हें अलग क्यों कर दिया? क्योंकि पुण्य में उपादेय बुद्धि एक ऐसा अज्ञान है जिसके कारण से हमें आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धान दुर्लभ हो गया है। माने पुण्य में उपादेय बुद्धि हो रही है, पुण्य कर्म, लेकिन वो धर्म बना हुआ बैठा है, इसलिए पुण्य पाप के संदर्भ में जो अज्ञान है उस अज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुण्य पाप को अलग रखा, और साथ ही एक पुण्य पाप अधिकार भी स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है, तो उस पर विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए पुण्य पाप को अलग करते हुए नव तत्वों की चर्चा ली गई है। नव तत्वों के प्राप्त होने पर भी एक पना नहीं छोड़ता, ऐसा कैसे? पांडे राजमल जी कलश टीका में किसको दृष्टांत से बात करते हैं, अपन सीधे वहीं से बात करते हैं। वे अग्नि का उदाहरण देते हैं, आग को अग्नि को दाह्याकार देखने पर, दाह्याकार माने दाह्य माने ईंधन, जैसे ईंधन की अग्नि वह जल रही है उसकी ओर से यदि हम देखते हैं तो काष्ट तृण कंडे आदि की अग्नि कहा जाता है, ये लकड़ी की अग्नि है, ये कंडे की अग्नि है, ये घास फूस की अग्नि है, इस तरह कहा जाता है। आज की भाषा में कहे तो आप कहेंगे गैस की अग्नि भी कहते हैं, परंतु उष्ण मात्र देखा जाए, जो अग्नि का लक्षण है, अग्नि का स्वभाव है, उष्णता मात्र देखा जाए तो अग्नि एक रूप है, चाहे वह कंडे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे तृण की हो, चाहे गैस की हो, कहीं की भी हो, वह उष्णता रूप है। तो एक उष्णता रूप देखा जाए तो अग्नि अग्नि है, उस अग्नि ने अपनी उष्णता रूप एक पना जो है वह नहीं छोड़ा, इन रूप होने पर भी एक पना नहीं छोड़ा। उसी प्रकार आत्मा को शुद्ध अशुद्ध पर्याय रूप देखा जाए, पांडे राजमल जी ने शुद्ध और अशुद्ध पर्याय कहा, बनारसीदास जी ने एक मिश्र पर्याय और जोड़ा, शुद्ध अशुद्ध और मिश्र। कैसे होंगे नौ तत्वों में से शुद्ध अशुद्ध और मिश्र पर्याय? जीव अजीव तो मूल तत्व है, जीव और अजीव, आश्रव और बंध बिल्कुल अशुद्ध तत्व है, अशुद्ध पर्याय है, संवर और निर्जरा ये मिश्र है, कुछ शुद्धता प्रकट हुई है और अशुद्धता भी बाकी है, इसलिए ये मिश्र है, और मोक्ष वह पूर्ण शुद्ध रूप पर्याय, और पुण्य पाप तो अशुद्ध में ही शामिल है। इस तरह शुद्ध अशुद्ध और मिश्र पर्याय रूप से देखा जाए तो ये नौ तत्व खड़े होते हैं, वह नौ तत्व रूप दिखता है, परंतु चैतन्य मात्र देखने पर उन सब में जो आत्मा है प्रत्येक ज्योति, इनसे भिन्न चैतन्य चैतन्य मात्र यदि देख लिया जाए, बस वो चैतन्य मात्र तो एक आत्मा ही है, तो इन नव तत्व रूप होने पर भी वो अपने
एकत्व को नहीं छोड़ता, और ऐसा जो एकत्व है वो शुद्ध ने का विषय बनता है। ये मूल बात इस कलश में कही गई। एक और निष्कर्ष की बात हम इसमें से कह सकते हैं, समय सार में आत्मश्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, अभी इसके पूर्व के कलश में अपन ने देखा था आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम, और यहां नव तत्वों में प्राप्त होने पर भी एकत्व नहीं छोड़ता, ऐसा करके नव तत्वों की भी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नव तत्वों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि आत्मा उन्हीं नव तत्व रूप से है। तो उन नव तत्वों की श्रद्धा वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार से सम्यक दर्शन, और उसमें जो व्याप्त एक आत्म तत्व है उसका श्रद्धान करना, वो शुद्ध ने का विषयभूत शुद्ध आत्मा उसका श्रद्धान करना, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। ऐसा भी इस कलश का निष्कर्ष वाक्य कह सकते हैं। अब 13वीं गाथा पर आते हैं। इसमें सम्यक दर्शन क्या है, शुद्ध ने से कैसे वो प्रकट होता है, और तीसरा एक ग्रंथ में पूरे कौन कौन से अधिकार आने वाले, एक तरह से संक्षेप में उनके नामों का उल्लेख की बात भी इसमें आती है। गाथा का पाठ मैं कर रहा हूं, ध्यान से आप सुनिए। भूदत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोखो यसम्मतम्। बहुत सरल अर्थ है, क्योंकि तीन बातें हैं। पहली बात, भूदत्थेन अभिगदा, भूदत्थेन भूतार्थेन, भूतार्थ के द्वारा, भूतार्थ से अभिगत, अभि माने होता है समन्ता, सर्व ओर से अच्छी तरह से, गत माने जाने, अभिगत अच्छी तरह से जाने हुए, और सीधे फिर नव तत्वों के नामों का उल्लेख कर दिया। जीव अजीवाय पुण्य पावं च, पुण्य पाप, आसव संवर निज्जर बंधो, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्षोय और मोक्ष सम्मतम, ये सम्यक दर्शन है। सीधा तात्पर्य ये हुआ, ये जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष भूतार्थ से जाने हुए, यदि हम इनको भूतार्थ से जानते हैं तो यही सम्यक दर्शन है। शंका हो सकती है, ये निश्चय सम्यक दर्शन है कि व्यवहार सम्यक दर्शन है? चूंकि अभी जो कलश में बोला था शुद्ध न्यायत्तम प्रत्यक ज्योतिष चकास्ति नव तत्व गतत्वे भी यद एकत्व न मुंचती, यदि शुद्ध नये से हम नव तत्वों को देखेंगे तो उसमें एक आत्म तत्व ही दिखता है। वो शुद्ध नये का वो दृष्टिकोण है, वो कैसे अभी अपन टीका में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम गाथा में मूल बात इतनी समझते हैं, भूतार्थ से जाने हुए, अच्छी तरह से जाने हुए, उनके लक्षण से, स्वभाव से, स्वरूप से, उसमें किसी प्रकार की भूल न करते हुए, याथा तथ्यम विनाच विपरीतात, ये जानना अभिगत। और जब ऐसा जानते हैं, वैसे भूतार्थ से जानने पर एक आत्मा ही उसमें प्रकाशमान होता है, और इसीलिए वही सम्यक दर्शन है। और इसलिए दोनों बातें आ गई, नव तत्वों को जाना ये व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ, और जब इनमें एक आत्म तत्व ही प्रकाशमान हुआ उसे जाना गया तो वह निश्चय सम्यक दर्शन है। इस तरह से भूतार्थ से जाने हुए जो नव तत्व है वही सम्यक दर्शन है, ये इस गाथा का मूल भाव है। एक बार गाथा पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं, यदि अभी उपस्थित हो तो पाठ कर लीजिए। भूतार्थ से जाने जीव अजीव पुण्य पाप रुने जरा
शव संबर बंद मुक्ति ये ही समकित जानना। गाथा का ये पद्यानुवाद पुराने ग्रंथ के आधार से आपने पढ़ा, बहुत अच्छा। और जो गायक व प्रबोधनी टीका में डॉक्टर भारिल्ली जी ने जो अनुवाद किया हुआ है, वो आपके पीपीटी में दिया हुआ है, उसमें एक शब्द की तरफ आप विशेष ध्यान देंगे। प्रारंभ ये है इसमें, चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंद संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक तो है। चिद चिदाश्रव, तो चिद अजित, तो जीव अजीव के लिए यहाँ पर चित और अचित, चेतन और अचेतन, इस तरह से चित अचित इन शब्दों का प्रयोग किया है। और मोक्ष तत्व के लिए शिव, शिव शब्द का प्रयोग किया हुआ है। बस इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गाथा में जो विषय आया है उस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करते हुए अपन टीका की ओर बढ़ते हैं। ये जो तत्वों का क्रम दिया, तत्वार सूत्र में तत्वों का क्रम अलग है और यहाँ तत्वों का क्रम अलग दिया हुआ है, ऐसा क्यों? वैसे ऐसा कहा जा सकता है कि गाथा है वो पद्य लिखा जाता है और पद्य लिखा जाता है तो शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु मात्र इतनी बात नहीं है, कुछ और भी बात है। क्या बात है? तत्वार सूत्र में जो क्रम दिया, जीवा जीवा श्रव बंद संवर निर्जरा मोक्षास्त्र, क्रम के औचित्य पर बहुत सारा विस्तार से वर्णन भी किया हुआ है, लेकिन मूल बात यही है। आगे उमा स्वामी आचार्य को एक तरह से उसी क्रम से वर्णन करना था। जीव अजीव कहा तो प्रारंभ के चार अधिकारों में जीव तत्व का वर्णन किया, पांचवे अधिकार में अजीव तत्व का वर्णन किया, छठवें और सातवें अधिकार में आश्रव शुभाशुभ आश्रव तत्व का वर्णन किया, आठवें अधिकार में बंद तत्व का वर्णन किया, नवे अधिकार में संवर निर्जरा तत्व का वर्णन किया, और दसवें अधिकार में, दसवें अध्याय, अध्याय नाम दिया वहां पर, दसवें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया। माने बिल्कुल वही क्रम आगे के अध्यायों का भी, वर्णन का भी है। माने जिस क्रम से उन्हें वर्णन करना था उसी क्रम से तत्वों के नाम रखे। और यदि हम समय सार में भी ध्यान देंगे, आगे जिन्हें विशेष जिज्ञासा वो बाद में देख ले, जो आगे के अधिकारों का क्रम है, अब ये भूमिका पूर्व रंग पीठी का चल रही है, इसके बाद में जीवा जीव, जीव अजीव अधिकार आएगा, हाँ बीच में कर्ता कर्म अधिकार है भी, उसकी बात भी अपन लेते हैं, उसके बाद में पुण्य पाप, फिर आश्रव, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर बंद और फिर मोक्ष, और उसके अंत में फिर सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। ये क्रम है, तो आगे के अधिकारों का क्रम इन्हीं क्रमश है, इसके लिए भी यहाँ तत्वों का ये क्रम रखा हुआ है। अगला प्रश्न ये है कि कर्ता कर्म और सर्वशुद्ध ज्ञान तत्व तो नहीं है, फिर इनके अधिकार क्यों लिखे? दो उत्तर दिए। कर्ता कर्म अधिकार जो है वह जीव अजीव अधिकार का ही विस्तार है। जीव अजीव के संदर्भ में एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व की भूल होती है, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व की भूल को दूर करने के लिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा। दूसरी बात, कर्ता कर्म के संदर्भ में हमें अज्ञान बहुत है और उस अज्ञान को दूर करना जरूरी है, इसलिए कर्ता कर्म अधिकार विशेष रूप से लिखा। और निष्कर्ष के रूप में मूल स्वरूप तो सर्वविशुद्ध ज्ञान ही है, इसलिए वह सर्वविशुद्ध ज्ञान का निरूपण करने के लिए अंतिम सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा हुआ है। एक और प्रश्न की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते, वैसे इसकी चर्चा थोड़ी सी तेरहवीं गाथा की टीका के बाद कलश, अब कलश के बाद फिर एक टीका आने वाली है बीच में ही, ये सिर्फ यही एक विशेषता है कि कलशों के बाद गद्य टीका पुनः अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है, उस पर इसकी चर्चा और आने वाली है। संक्षेप में यहाँ चर्चा करते हैं। तत्वार सूत्र में तो लिखा कि प्रमाण नैर अधिगमाः, तत्वार्थ तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम और प्रमाण नैर अधिगमा, इन तत्वों का निर्णय किससे करेंगे? कि प्रमाण नय से, और साथ में वहां प्रमाण नय के साथ साथ में निक्षेप की भी चर्चा ली।
निक्षेप की चर्चा अभी वो सभी आगे चर्चा आएगी ही, लेकिन इस गाथा में तो कह रहे कि भूतार्थ से जाने हुए भूदत्थेण अभिगदा, भूतार्थ से शुद्ध नय से। तो नौ तत्वों को प्रमाण नय से जानना है कि शुद्ध नय से जानना है? तत्वार सूत्र में प्रमाण नय की बात कर रहे, यहां शुद्ध नय की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? चूंकि तत्वार सूत्र का कथन सैद्धांतिक कथन है, वहां सिद्धांत का निरूपण करना है, आगम का निरूपण करना है, विस्तार से निरूपण करना है सभी तत्वों का, इसलिए प्रमाण नय से जाने हुए नव तत्व लिए। और यहां आध्यात्मिक कथन है, उसमें से अपना शुद्ध आत्मा निकालना है, उसका लक्ष्य कराना है, इसलिए भूतार्थ शुद्ध नय, शुद्ध नय से जाने हुए नव तत्व सम्यक तो है। तो सीधा अर्थ है तत्वार्थ सूत्र का कथन सैद्धांतिक कथन है, और समय सार का जो कथन है वह आध्यात्मिक कथन है, इसलिए ये अंतर इसमें हमको देखने के लिए मिलता है। अब अपन टीका की तरफ आगे बढ़ते हैं। नव तत्वों को किस प्रकार जानना, शुद्ध नय से जानना, और उसके कारण से सम्यक दर्शन की कैसे प्राप्ति होती है। एक और विशेषता, आचार्य अमृतचंद्र इस टीका का जो नाम उल्लेख करते, नाम देते हैं इस टीका को, आपको भी मालूम है, आत्मख्याति। वो आत्मख्याति शब्द का प्रयोग यहाँ प्रथम बार किया हुआ है, आत्मख्याति शब्द का प्रयोग भी इसमें आया हुआ है, वो क्रमशः आएगा, अपन उसकी वहां चर्चा करते हैं। अब वो अमृतचंद्राचार्य की इस गाथा की आत्मख्याति टीका, जितने अंश पर चर्चा करनी है उतने अंश को मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। अमूनी ही जीवादीनी नव तत्वानी भूतार्थेन अभिगतानि सम्यक दर्शनम संपद्यन्ते एव अमीषु तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम अभूतार्थ नयन व्यपदिश्यमानेषु जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष लक्षणेषु नव तत्वेषु एकत्व द्योतिना भूतार्थ नयन एकत्वम उपानीय शुद्ध नयत्वेन व्यवस्थापितस्य आत्मनः अनुभूतेः आत्मख्याति लक्षणाया संपद्यमानत्वात्। नव तत्व को भूतार्थ से देखने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होती है? एकत्व अर्थात उसमें सब में एक आत्मा ही प्रकाशमान है। तो हमें शंका खड़ी हो सकती है कि जब एक आत्मा ही प्रकाशमान है और एक आत्मा का ही दर्शन श्रद्धान ज्ञान करना है, तो फिर नव तत्वों में जाने की आवश्यकता क्या है? उस प्रश्न का भी उत्तर इसमें दिया हुआ है। एक बात और, थोड़े से हमारे बहुत से स्नातक शास्त्रीय विद्वान भी जुड़े हुए हैं, वे जानते हैं चारों अनुयोगों में अनुयोगों की एक एक अपनी अपनी शैली होती है। जैसे चरणानुयोग में सुभाषित की शैली प्रधान होती है, कर्णानुयोग में गणित की, प्रथमानुयोग में कथा की शैली होती ही है, और द्रव्यानुयोग में काय की शैली होती है, तो द्रव्यानुयोग के लिए का न्याय की शैली, और अध्यात्म में खास करके न्याय, न्याय माने प्रमाण न्यायात्म को न्याय, किसी बात को भी तर्क से युक्ति से सिद्ध करना, ये जो न्याय न्याय कहलाता है वो न्याय शैली। और अमृतचंद्र आचार्य ने इस आत्मख्याति में भी न्याय शैली का प्रयोग किया है। तो एक तरह से यहाँ जो पहला वाक्य है वह प्रतिज्ञा वाक्य, माने क्या सिद्ध करना चाहते हैं, और बाद में उसका तर्क, उसका हेतु, वो कैसे बात सिद्ध होती, इस बात की बात भी करते हैं। तो ये जो न्याय की शैली में लिखा हुआ है, ये शास्त्री बंधु हमारे समझ सकते हैं क्या प्रतिज्ञा क्या सिद्ध करने जा रहे हैं। अमुनी ही जीवादिनी नव तत्वानी भूतार्थेन अभिगतानी सम्यक दर्शनम संपद्यन्ते एव। अमुनी माने ये जीवादिनी नव तत्वानी, जीवादि नव तत्व, अब यहां फिर नामों का उल्लेख नहीं किया, आगे आगे जाकर के कर दिया है। ये जो नव तत्व हैं भूतार्थे न, यदि इनको भूतार्थ से जाना जाए, शुद्ध नय से जाना जाए, शुद्ध नय से यदि देखा जाए,
सम्यक दर्शनम संपद्यन्ते एव, सम्यक दर्शन प्रकट होता ही है। एक बात ये भी समझ लीजिए, आचार्य यहां पर गारंटी देना चाहते हैं, आप अपना दृष्टिकोण बदल करके तो देखो, यही तो है, सभी उपदेश देते हैं भैया अपना दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदली हुई दिखाई देगी। ऐसे ही हम नौ तत्वों को, आत्मा को कर्मों से बंधा, रागी द्वेषी, या फिर इसे शुद्ध करना है, शुद्ध होना है, इन रूपों में तो देखते हैं, परंतु भूतार्थ से, शुद्धने से दृष्टिकोण बदल करके देखो क्या दिखेगा। एक शुद्ध आत्मा, और जब उसका लक्ष्य किया, यदि नियम से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है। जैसे भारत देश के लिए हम कहते हैं अनेकता में एकता भारत की विशेषता, जब भारत में रहने वाले सब जितने भी विभिन्न भाषा वाले हैं, विभिन्न जाति वाले हैं, विभिन्न प्रांत वाले हैं, ये सब यदि अपने अपने को प्रांत वाले, जाति वाले, भाषा वाले ऐसे भिन्न भिन्न देखते रहेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहने वाले हैं। लेकिन दृष्टिकोण बदल करके यदि वो एक भारतवासी है, हम एक भारत देश, एक भारतीय, इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो चाहे जितने भेद रहे लेकिन सहज एकता संपन्न होती है, एकता संपन्न होती तो शांति भी संपन्न हो जाती है। ये दृष्टिकोण बदलने की बात। उसी तरह भूतार्थ से यदि नव तत्वों को जानते हैं तो सम्यक दर्शन होता ही है। तो जब सम्यक दर्शन भूतार्थ ने से जानने पर एक आत्मा से होता है तो नव तत्व क्यों कहते हो, तो वह बात भी कहते हैं। अमीशु तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम अभूतार्थ नयन व्यपदिश्यमानेषु जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंद मोक्ष लक्षणेषु नव तत्वेषु। यानी नव तत्वों में, नव तत्व कहे किस नये से और क्यों कहे, भेद किया तो अभूतार्थ हो गया, अभेद सो निश्चय भेद सो व्यवहार। तो चूंकि नव तत्वों का भेद किया है इसलिए वह व्यवहार है। और दूसरा, जब शुद्ध ने जो लिया यहां पर, वो परम शुद्ध निश्चय ने, और जब परम शुद्ध निश्चय ने लिया तो मोक्ष तत्व को आश्रय करने वाला साक्षात शुद्ध निश्चय ने है, वह भी उसके नीचे वाला है, इसलिए वो व्यवहार में चला जाता है। या अभेद और भेद, या नव है वह अनेक है, अनेक सो व्यवहार और एक सो निश्चय, तो ये अनेक हुए इसलिए अभूतार्थ नये से कहे गए। अभूतार्थ नये न व्यपदिश्यमानेषु, ऐसे ये नव तत्व, नाम उल्लेख कर दिया, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंद मोक्ष, ये नव तत्व। लेकिन इनका निरूपण ही क्यों किया, कहते तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम, इसके बिना तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो तीर्थ माने क्या, तीर्थ माने जिससे तिरा जाए, उपदेश, मोक्ष मार्ग का उपदेश, मोक्ष मार्ग का कथन। आप मोक्ष मार्ग का कथन करिए और मोक्ष मार्ग का कथन करते समय नौ तत्वों की चर्चा मत, नाम उल्लेख मत करें भले ही, लेकिन इसके बिना आप मोक्ष मार्ग का उपदेश कैसे दे सकते हैं, ये तो कहना पड़ेगा। जीव अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है, विकारी कर्मों से बंधा, तो जीव है, कर्म अजीव है, इनसे बंधा हुआ है, इसके कारण इसे विकारी भाव हो रहे, इसलिए आश्रव बंद हो रहे हैं। तो ये जीव अजीव आश्रव बंद आ ही गए ना, इनके बिना आप चर्चा कैसे करेंगे। और जब ये जीव अपना लक्ष्य करेगा तब इसके कर्मों का आश्रव होना रुकेगा, शुद्धता प्रकट होगी, ये अपनी शुद्धता बढ़ाएगा, पूर्वबद्ध कर्म भी निर्जरित होने लगेंगे और पूर्ण अपने में लीन होकर के शुद्ध हो जाएगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये नव तत्वों के उल्लेख के बिना तीर्थ प्रवृत्ति, मुक्ति मार्ग का उपदेश संभव ही नहीं है। तो उपदेश में भेद पूर्वक समझाना जरूरी होता है। जैसा आठवीं गाथा में भी अपन ने देखा था, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया जाता है, ऐसे व्यवहारी जनों को भेद पूर्वक व्यवहार से समझाया जाता है, ऐसे मोक्ष मार्ग का उपदेश भी इस तरह से व्यवहार से समझाया जाता है। इसके लिए तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम,
ये तीर्थ की पर समझाने के लिए, और चूंकि भेज करके समझाया जा रहा है इसलिए अभूतार्थ नयन व्यपदिश्यमानेषु, अभूतार्थ नयन से जिनका निरूपण किया गया है, कथन किया गया है, ऐसे जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष इन नव तत्वों में अब कहने दृष्टिकोण बदलो। अब क्या दृष्टिकोण करो, अब कहे भूतार्थ नहीं की दृष्टि लाओ। तो जब भूतार्थ क्या करता है, एकत्व द्योतिना भूतार्थ नहीं ना, जो इन सब में एकत्व को प्रकाशित करने वाला है, एकत्व एक चैतन्यपना दिखेगा उनमें, एकत्व उपानीय और शुद्ध नयत्वेन व्यवस्थापितस्य आत्मना, शुद्ध नय से जिसे स्थापित किया गया, शुद्ध नय का जो विषय है ऐसा जो आत्मा वो उसमें से प्रकट होगा, मुख्य होगा, दृष्टि में आएगा, ऐसे आत्मना अनुभूते, और ऐसे आत्मा की जब अनुभूति की जाए तब आत्मख्याति लक्षणाया संपद्यमानत्वात्, आत्मख्याति है लक्षण जिसका ऐसी अनुभूति, अनुभूते है आत्मा की अनुभूति संपन्न होती ही है, वो कैसी है कि वह आत्मख्याति लक्षण वाली है, आत्मख्याति ये उसका लक्षण है। अंत में भी पुनः कहने वाले हैं कि ये आत्मख्याति है वही सम्यक दर्शन है, इस रूप में पुनः कहेंगे वही आत्मा की अनुभूति है और वही सम्यक दर्शन है। तो आत्मख्याति है लक्षण जिसके ऐसे आत्मा की अनुभूति निश्चित रूप से होती है। क्यों? क्योंकि नव तत्वों में जब भूतार्थ नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, तो एक आत्मा प्रसिद्ध हुआ, तो आत्मा की ख्याति भी, आत्मा प्रसिद्ध हुआ, आत्मा दृष्टि में आया, उसकी श्रद्धा हुई, उसका आश्रय हुआ, उसका लक्ष्य हुआ, और उसी का नाम सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, इसलिए सम्यक दर्शन संपद्यन्ते एव। आत्मख्याति का अर्थ क्या है, आपको बार बार प्रेरणा देते हैं कि आप जरूर पढ़ करके आए, और खास करके अनुशीलन पढ़ने पर जोर देते हैं, जिन्होंने अनुशीलन पढ़ा होगा उनको ये ध्यान में आया होगा आत्मख्याति का तात्पर्य क्या है। ख्याति शब्द तो बहुत ख्यात है, सभी जानते हैं, आत्मख्याति आत्म प्रसिद्धि क्या मतलब, मुझे बहुत लोग जाने या मैं बहुत लोगों को जानूं, जगत में इसी को प्रसिद्धि समझते हैं, लेकिन कहते ये आत्मख्याति नहीं, मैं बहुत लोगों को जानूं या बहुत लोग मुझे जाने, इसमें आत्मा की ख्याति नहीं है। तो किसमें है, आत्मा अपने आप को ही जाने पहचाने, अपने में लीन हो, अपना ही अनुभव करे, इसी में वास्तव में आत्मा की प्रसिद्धि है, आत्मा की ख्याति है, और इसी का नाम सम्यक दर्शन है, और ये सम्यक दर्शन निश्चित रूप से प्रकट होता है। ये अभी संक्षेप में बात कही है। अब ये नव तत्व कैसे, फिर उसमें से एकत्व कैसे प्रकट होता है, इसकी पुनः अभी विस्तार से चर्चा करते हैं। तत्र थोड़ा सा ध्यान देंगे, तत्र विकार्य विकारक उभयम पुण्यम तथा पापम, आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रवः, संवार्य संवारक उभयम संवरः, निर्जर्य निर्जरक उभयम निर्जरा, बंध्य बंध्यक उभयम बंधः, मोच मोचक उभयम मोक्षः, स्वयं एकस्य पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष अनुपत्ति, तद उभयम च जीव अजीवौ इति। क्या है पुण्य पाप आदि की, ये है क्या? तो सबसे पहले तो बात लेते हैं कि जीव अजीव कहाँ चले गए, ये सबसे आखिरी में लिए। तत उभयम च जीव अजीवौ, द्रव्य संग्रह ग्रंथ जिनने स्वाध्याय में लिया हो उनको ये ख्याल में होगा कि जो आश्रवादिक है वो दो दो तरह के हैं, द्रव्याश्रव भावाश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध, द्रव्य संवर द्रव्य निर्जरा, इस तरह सबके द्रव्य और भाव के रूप में दो भेद किए हैं। उसमें द्रव्याश्रव क्या है और भावाश्रव क्या है। द्रव्याश्रव है कर्मों का आना, तो जड़ कर्म जो अजीव, तो एक तरह से वह अजीवाश्रव है, और जो जीव के विकारी परिणाम विकारी भाव, जो विकारी भाव है वे भावाश्रव,
यहाँ भी जीव के परिणाम है, इसलिए उसको यहाँ जीव रूप आश्रव कहेंगे। ऐसे सभी में लगा लेना, ये जीव और अजीव। अब ये सब पर घटित करते इसी तरह से, तत्र विकारी विकारक उभयम पुण्यम तथा पापम। या विकारी विकारक, जो विकार रूप होने योग्य, मलिनता रूप होने योग्य, अशुद्धता रूप होने योग्य जो है विकारी, और जो विकार को कराने वाला कौन हो रहा है, किसके परिणाम हो रहे, जीव के हो रहे हैं, लेकिन किस कारण से हो रहे हैं, इकर्म के निमित्त से हो रहे हैं। तो जो पुण्य पाप आदि के जो उदय से हो रहे हैं वे कराने वाले विकारक, और इधर होने योग्य वो विकारी, ये दोनों को पुण्य पाप कहते हैं। उभयम पुण्यम तथा पापम। इसमें एक और बात की तरफ ध्यान देना है, यहां पाप को विकार और पुण्य को अच्छा नहीं कहा गया, दोनों को विकारी कहा, विकारक कहा, दोनों ही पुण्य और पाप समान रूप से, दोनों ही शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति मय अचीन। शुभ अशुभ विभाव, ये शुभ अशुभ दोनों विभाव है, ऐसे पुण्य और पाप ये दोनों ही विकारक है, इसलिए विकारी विकारक ये दोनों ही पुण्य और पाप। तो एक जीव पुण्य और एक अजीव पुण्य, ऐसे अंत में कह दिया उसे। आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रवहा, आश्रव होने योग्य और आश्रव कराने वाला, उसका निमित्त वो कर्म, ये उभयम आश्रव, दोनों को आश्रव कहा जाता है। संवार्य संवारक, संवर होने योग्य और संवर में निमित्त, वो तत्संबंधी कर्मों का आना रुकना इत्यादि जो स्थितियां बनती है कर्म की, उभयम संवरहा। निर्जर्य निर्जरक, निर्जरा होने योग्य और निर्जर निर्जरा करने वाला, निमित्त उसका जो है उभयम निर्जरा। बंध्य बंध्यक, बंध होने योग्य और बंध कराने वाला, बंध होने विकारी भाव रूप होने योग्य और उसका जो कारण बन रहा है बंध्यक, उभयम बंध। मोच मोचक, मुक्त होने योग्य और मुक्त कराने वाला, वो कर्म है, इसलिए उभयम, ये दोनों मिलकर के मोक्ष कहेंगे। ये दोनों का मिलकर के एक नाम क्यों दिया जा रहा है? स्वयं एकस्य, अकेले के लिए पुण्य पाप आश्रव संवार निर्जरा बंध मोक्ष अनुपत्ति, अकेले एक को रखो और इन नौ खड़े करके बताओ, नौ माने ये तो मूल है जीव अजीव, इसलिए बाकी के साथ करो आप अकेला, या तो जीव रखो या अजीव रखो, जीव रखो या कर्म रखो, और ये साथ खड़े करो, कैसे होंगे? ये दोनों के कारण से परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही खड़े होंगे, इसलिए अकेले को नहीं कहा जा सकता। चार गति में से हम कह के मनुष्य गति, ये मनुष्य है, ये आप पर्याय के भेदों में से आप जानते होंगे, इसे असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय क्यों? दो असमान द्रव्यों से मिली जुली बनी हुई ये पर्याय है। मैं कहता हूं अकेला जीव हो या अकेला पुद्गल हो, और मनुष्य आप पर्याय बना करके बता दो, मनुष्य पर्याय, अकेले जीव या अकेले पुद्गल की कैसे संभव है? अकेला जीव होगा तो मुक्त सिद्ध होगा, अकेला पुद्गल होगा तो जड़ होगा, लेकिन चार गति रूप जो अवस्था बन रही है उसमें जो मनुष्य है वो तो दोनों से मिलकर के बनेगी ना, अकेले एक का ये संभव ही नहीं है। वैसे ही ये सात तत्व भी एक के संभव नहीं है, तो किसके है कि उभयम, दोनों के निमित्त निमित्तिक संबंध से बन रहे, तो कौन है दोनों? वे तद उभयम च जीव अजीव। तो ये जीव अजीव मूल तत्व हुए, और इनके परस्पर निमित्त निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से ये बाकी के सात तत्व खड़े होते हैं। इस तरह से ये नौ तत्व होते हैं, इनकी चर्चा की। अब इन्हें देखने के दृष्टिकोण, कैसे कैसे देखना, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए बहिर्दृष्टिया, अब पहले बहिर्दृष्टि से देखो तो क्या दिखेगा, लेकिन बहिर्दृष्टि कह करके भी फिर लौटा करके अंदर लाने वाले हैं। बहिर्दृष्टिया नव तत्वानि अमूनि जीव पुद्गलयो अनादि बंध पर्यायम उपेत्य एकत्वेन अनुभूय मानतायां भूतार्थानि। अथ च एक जीव द्रव्य स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायां अभूतार्थानि तथा अमीषु नव तत्वेषु भूतार्थनेन एकः जीवः एव प्रद्योत्ते।
बाहर दृष्टि से देखो, और बाहर दृष्टि माने अभी अंदर ज्यादा गहराई में मत घुसो, ऊपर ऊपर देखो, संयोग देखो। किनका संयोग? नव तत्वानि अमूनी, ये सारे के सारे नव तत्व कब दिखाई देते हैं? जीव पुद्गल यो अनादि बंध पर्याय उपेत्य, ये तो प्रसिद्ध है ना, कि यह जीव अनादि काल से कर्मों से बंधा है। ये जो जीव की अनादि काल से बंधन सहित जो अवस्था है, अनादि बंध पर्याय, इस अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर, माने इसको दृष्टि में मुख्य रख करके विचार किया जाए। बंध पर्याय उपेत्य, बंध पर्याय के समीप जाकर के विचार करो, और दोनों को एक मान करके, दोनों को अभी बंधन की अवस्था में एक है, और इस कारण से जो इसकी पर्याय हो रही है, एकत्वेन अनुभूय मानतायाम, इनको एक मान करके जब अनुभव करते हैं तो भूतार्थानी, माने नौ तत्व दिखेंगे। नौ तत्व है, जीव कर्मों से बंधा है, आश्रव है, बंध है, छूटना प्रारंभ होगा तो संवर निर्जरा होगी, पूरा छूटेगा तो मोक्ष होगा, ये सारी स्थितियां बनेंगी। बात यथार्थ है, ऐसा नहीं कि नौ तत्व नहीं है, भूतार्थानी। अथ च, अब दृष्टिकोण बदलो। अथ च एक जीव द्रव्य स्वभाव उपेत अनुभूय मानतायाम, लेकिन अकेले एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर के देखो, जीव द्रव्य को देखो, जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव करो, तब क्या दिखेगा? अभूतार्थानी, नौ दिखने वाले नहीं है। अब अगली 14वीं गाथा आने वाली है, अबद्ध स्पर्श अनन्यत, ये शुद्ध नय से दिखता है, वो कर्मों से बंधा ही नहीं है। नव तत्व रूप होगा कैसे? वो एक जीव द्रव्य सा चैतन्य, चैतन्य मात्र, शुद्ध शुद्ध, उसके समीप जाकर देखेंगे तो एक जीव दिखेगा। अभूतार्थानी, नव तत्व जो है नहीं दिखते हैं, ये है नहीं, नव तत्व नहीं है कुछ भी। अभूतार्थानी, ततः अमीषु नव तत्वेशु भूतार्थनेन एका जीवा एव प्रद्योत्ते, इसलिए यदि भूतार्थने से देखे, दृष्टिकोण बदल करके देखे, तो इन नव तत्वों में भी एक जीव ही प्रकाशमान होता है। ये दृष्टिकोण की बात है, भूतार्थने से देखने पर एक जीव ही प्रकाशमान होता है, ये बहिर्दृष्टि की बात की। बहिर्दृष्टि करते करते भी पुनः भूतार्थ अभूतार्थ दोनों नौ तत्व कब भूतार्थ होते हैं, कब अभूतार्थ होते हैं, इसकी चर्चा भी ली। अब अंतर्दृष्टि करते हैं, तथा अंतर्दृष्ट्या ज्ञायका भावः जीवः, जीवस्य विकार हेतुः अजीवः। अंतर्दृष्टि से देखेंगे, अभी तो ये दोनों मिले जुले जो स्थिति थी, इस मिली जुली स्थिति में दोनों को मिला जुला ही सब नाम देते आ रहे हैं, यही आश्रव है, बंद है, संवर निर्जरा, सब ये दोनों उभयम दोनों हैं, और बहिर्दृष्टि से देखो तो फिर ये नौ तत्व खड़े भी हो जाते हैं। अब अंतर्दृष्टि से देखा जाए, इन्हीं में देखे, इसमें से ज्ञायका भावः जीवः, इसमें से एक ज्ञायक भाव है, चैतन्य चैतन्य रूप है, जानन जानन रूप है, ज्ञायका एका भावः, वो तो जीव है उसमें, और जीवस्य विकार हेतु अजीवः, और जीव के विकार का जो कारण है वो अजीव है। अब विकार कौन कौन से, अभी देखो थोड़ा सा विकार शब्द के भी प्रकरण के अनुसार अर्थ करना पड़ेगा, अभी वो भी देखते हैं आगे। देखिए अभी तो ये देखिए कि नौ तत्वों में हम देखते हैं, उसमें जो एक ज्ञायक भाव है, चैतन्य चैतन्य मात्र है, जानन देखन स्वभाव वाला है, वो तो जीव है। ये दृष्टिकोण पूरे समय सारे में आपको मिलेगा, आश्रव बंद कोई 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 अधिकार हो, किसी की चर्चा हो, लेकिन आश्रव अधिकार में आश्रवों का भेद गिनाना, प्रभेद गिनाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, वहां पर भी एक शुद्धात्म तत्व कैसे प्रकाशमान है, वो शुद्धात्मा की बात हो बूर्द करके, उसकी चर्चा हर हर तत्व के साथ ही आएगी, तो उसमें जो ज्ञायक भाव है वो तो जीव है, और जीव का विकार का जो हेतु है वह अजीव है। अजीव के विकार कौन कौन से? केवल जीव विकाराच, आप जीव के विकार देखिए कौन कौन से, पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा,
बंद मोक्ष लक्षण, ये जीव के विकार है। लेकिन अभी तो अपन ने देखा था विकारी विकारक उभयम पुण्यम पापम, वो तो पुण्य और पाप में विकारी विकारक लगाया था, बाकी में तो नहीं लगाया था। यहां तो कह रहे कि जीव विकार पुण्य पाप आश्रव, ये तो ठीक है, ये पुण्य पाप आश्रव तो विकारी भाव है, लेकिन संवर निर्जरा बंद भी चलिए ठीक है, लेकिन मोक्ष ये सब केवल जीव विकार, ये जीव के विकार हैं। अब यहां विकार शब्द का अर्थ बदल जाएगा, यहां विकार का अर्थ होगा विशेष कार्य, विशेष कार्य माने पर्याय रूप अवस्था, ये भेद रूप अवस्था है। द्रव्य स्वभाव सामान्य की बात नहीं ले रहे हैं, विशेष की, इसलिए विशेष कार्य। पुण्य पाप भी विशेष कार्य है, तो संवर निर्जरा मोक्ष भी विशेष कार्य है। तो ये जीव के विशेष है, जीव की पर्याय है, इसलिए कहा केवल जीव विकार है, जीव के विशेष है, जीव के विशेष कार्य है। जीव आश्रव बंद रूप हो रहा है, पुण्य पाप रूप हो रहा है, तो यही संवर निर्जरा और मोक्ष रूप होगा, ये जीव होगा, जीव के परिणाम ऐसे होते हैं, जीव है, इसमें चैतन्य पना व्याप्त है, तो केवल जीव विकार। हाँ, और दूसरी तरफ केवल अजीव विकार हेतव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंद मोक्ष, जो कर्म है, जो पुण्य पाप आश्रव संवर रूप भी तो कर्म होगा, कर्म का भी तो संवर होगा, कर्म की भी तो निर्जरा होगी, कर्म का भी तो मोक्ष होगा। ये जो इसके कारण बन रहे विकार हेतवा, जीव के विशेष कार्य के जो कारण बनेंगे वे भी पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा आदि ही कहलाते हैं, परंतु अंतर्दृष्टि से देखने पर ये कह रहे हैं इन नौ तत्वों को देखो, उसमें एक गायक भाव है वो तो जीव है, और ये इसी के जीव के विशेष ये सभी हुए, और जो इसके कारण हेतु निमित्त बनने वाला वह अजीव है, और उसके भी ये नौ खड़े हो जाते हैं, सात खड़े होते हैं, ये हैं, ये इस तरह से अंतर्दृष्टि से देखने की बात की। लेकिन मूल जो बात थी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, इनमें से सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, अब देखिए नव तत्वानि अमूनि अपि जीव द्रव्य स्वभावम अपोह्य स्वपर प्रत्यय एक द्रव्य पर्यायत्वेन अनुभूय मानतायां भूतार्थानि। इन नव तत्वों को, इन्हें तो देखो कैसे जीव और पुद्गल के संयोग रूप जो अवस्था हो रही है, और संयोग के कारण होने वाली सारी अवस्थाओं से देखे, और क्या न देखा जाए, अमूनी अपि जीव द्रव्य स्वभावम अपोह्य, जीव द्रव्य के स्वभाव को मत देखो, मूल स्वभाव को उसको तो छोड़ दो, अपोह्य माने छोड़कर, तो जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वपर प्रत्यय एक द्रव्य पर्यायत्वेन अनुभूय मानतायाम नव तत्वानि अमूनि भूतार्थानि। स्व और पर के निमित्त से जो एक रूप अवस्था हो रही है दोनों की मिली जुली, आश्रव बंद आदि मोक्ष वाली तक भी, इसीलिए यहां तो कहेंगे मोक्ष तक सभी स्वांग है और सर्व विशुद्ध ज्ञान है, वो अपना मूल स्वरूप है, तो ये तो दोनों से मिली हुई, स्वपर प्रत्यय एक द्रव्य पर्यायत्व अनुभूय मानता है, दोनों से मिलकर विचार करने पर, दोनों के निमित्त से होने वाले और दोनों को एक रूप मान करके जब देखते हैं, ये दृष्टिकोण अभूतार्थ का है, ये व्यवहार का बहिर्दृष्टिकोण है, ऐसा देखेंगे तो नौ तत्व हैं भूतार्थानी, नौ तत्व नहीं है ऐसा नहीं, नौ तत्व ही भूतार्थ है। अब दृष्टिकोण बदलो, क्या करो, अच्छा सकल कालम एव अस्कलंतम एकम जीव द्रव्य स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायाम। ऊपर तो अकेला जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़ दिया था, इसलिए वहां विशेषण नहीं लगाए, अब कहते जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाओ, कैसा जीव द्रव्य है, ये सारे नव तत्व रूप हो रहा हो, अनादि काल से आश्रव बंद इनमें पुण्य पाप इनमें सब में हो रहा हो, और आगे जाकर के संवर निर्जर आदि हो रहा हो, परंतु सकल काल अथच सकल काल में, सकल काल में सर्वदा सकल कालम, इसलिए कहते ना अपन जो निगोद में
सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, सकल काल में अस्खलंतम, कभी स्खलित नहीं होगा, अनादि से कर्म बांध रहे, कर्म बंध रहे हैं कितने भी अनादि काल से, और चाहे जितने चार गतियों में परिभ्रमण करा रहे हैं तब भी जीव द्रव्य का स्वभाव स्खलित नहीं हुआ कभी भी। मैं तो कहता हूं तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, नरक में गया तिल तिल के बराबर इसके टुकड़े कर दिए तो, या निगोद में चला गया एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मरो धरो भरो दुख भार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया, अब तो चैतन्य पन चला गया होगा ना, जीव द्रव्य का स्वभाव नहीं छू। अस्खलंतम, कभी स्खलित नहीं होता, अस्खलंतम अस्खलित कभी नहीं छूटा, अस्खलंतम सकल कालमेव अस्खलंतम एकम जीव द्रव्य स्वभावम। टोडरमल जी ने भी लिखा ना, यह जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है, बात सही है, अनादि काल से एक जीव, अब कितने कर्मों ने बांधा, अनंत कर्म परमाणु इसको बांध के रखते हैं, परंतु जीव का एक प्रदेश भी जड़ नहीं हुआ, जीव द्रव्य का स्वभाव अस्खलंतम नहीं खलित हुआ। हाँ, लेकिन पुद्गल का एक परमाणु भी चेतन नहीं हुआ, दोनों अपने अपने रूप रहे। सकल कालम अस्खलंतम एकम जीव द्रव्य स्वभावों पे, उस एक चैतन्य मात्र जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर के अनुभूय मानतायाम, उसका अनुभव किया जाए, नव तत्व कुछ नहीं दिखाई देते हैं, अभूतार्थानी नव तत्व कुछ भी नहीं है, क्या दिखेगा, एक चैतन्य चैतन्य मात्र ही दिखता है, इसलिए नव तत्व नहीं दिखते हैं, अभूतार्थानी। ये दृष्टिकोण है, ये देखने का दृष्टिकोण है। जीव द्रव्य स्वभावों पेत, जीव द्रव्य के स्वभाव से अनुभव करते हैं तो नव तत्व कुछ भी नहीं दिखते, एकमात्र ततः अमीषु अपि नव तत्वेषु भूतार्थ नयन एकहा जीवहा एव प्रद्योतते, भूतार्थ नय से इन नव, इसलिए ततः अमीषु अपि नव तत्वेषु, इन नव तत्वों में भी भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रद्योतित होता है, प्रकाशमान होता है, प्रकट होता है। इसलिए जो गाथा में मूल बात कही गई थी, भूदत्थेन अभिगता जीवा जीवाय पुण्य पापम च आसव बंधन संवर निर्जर मोक्षोय सम्मतम, चूंकि जब भूतार्थ नय से देखते हैं तो इन नव तत्वों में भी एक जीव ही प्रकाशमान, क्यों, अभूतार्थ दूसरा दृष्टिकोण करेंगे तो दोनों की मिलीजुली अवस्था होगी, नौ भी दिखाई देंगे, परंतु भूतार्थ ने से देखेंगे एक जीव प्रकाशमान होता है। हमें ये दृष्टि आती है, बदलनी चाहिए, ऐसी देखने की दृष्टि ये बदलनी चाहिए, दुनिया में तो बदलते, यहां नहीं बदल पाते हैं। डॉक्टर के पास जाएं और किसी को डायबिटीज हुई हो तो डॉक्टर उसे कहता है, भाई आपको लड्डू नहीं खाना, पेड़ा नहीं खाना, बर्फी नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है, आम नहीं खाना है, बहुत बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाने लगते हैं। तो समझदार वो समझ जाता है, वो कहता है डॉक्टर साहब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट क्यों बताते हो, आप तो ये कहो ना कि मीठा नहीं खाना है, सब बात आ गई उसमें, मीठा नहीं खाना है। अब वो एक मीठा कहने पर, क्यों मीठा नहीं खाना, अब वो डॉक्टर को ये नहीं कहना पड़ता ये मत खा वो मत खा, जिस जिसमें मीठा पना होगा, अब वो डायबिटीज वाला क्या देखेगा, जिस किसी को देखेगा मीठे पने से देखता है, जिस जिसमें मीठा पना है वो छोड़ना पड़े छोड़ता है, अपने रोग से बचता है बच जाता है। और जो नहीं समझ पाए मीठा नहीं खाना, डॉक्टर साहब मीठा नहीं खाना मैंने क्या नहीं खाना, यदि उसको समझाना हो तो उसे कहना पड़ता है लड्डू पेड़ा बर्फी ये पदार्थ और आपके फलों में जो मीठा है वो सब कहने पड़ेंगे, तो समझाने के लिए। और एक नाम दिया जाए तो मीठा, और मीठा कहने में सब उसमें सहज रूप से आ जाते हैं। ऐसे ही अभूतार्थ से समझाने के लिए तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम शब्द का प्रयोग किया था, तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम, यदि
ये नौ तत्व भले ही कहे जाते हैं लेकिन शुद्ध नय से देखते हैं तो एक शुद्ध जीव ही उसमें प्रकाशमान है, जीव तत्व ही प्रकाशमान है। तो भूतार्थ नय से उस जीव को, एक जीव को हम प्रकाशित करें और उसका लक्ष्य करें, उसका श्रद्धान करें। वो आत्मा है, इसलिए आत्मख्याति, वो आत्मा की ख्याति, उसकी अनुभूति निश्चित रूप से होती है। और आत्मख्याति लक्षण वाला वह सम्यक दर्शन निश्चित रूप से प्रकट होता है। ऐसा सम्यक हम सभी को प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा हम यहाँ पूर्ण करते हैं। और आगे विचार यह है कि अब ये सप्ताह पूरा, क्योंकि बीच में थोड़ा व्यवधान भी हुआ और क्रमशः अभी अपन इस पे चलते रहे, तो एक सिर्फ अपने 25 तारीख को आदरणीय डॉक्टर साहब का जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं, उस दिन छोड़ करके बाकी दिनों में अगले शनिवार रविवार तक प्रतिदिन हम चलाएंगे। आप सभी इसको ध्यान रखें। हाँ, मुझे वो लग रहा था कि इसमें कुछ छूटा है, ये पंक्ति मुझे अंत में आ रही, ये कह रहा था इसमें नहीं लिखी। हाँ हाँ, देखिए थोड़ा सा अपना विषय रह गया, इसको पूरा करते, एक पंक्ति रह गई इसमें से। जीवा एव प्रद्योत्ते के बाद थोड़ा छूट गया, इसमें नहीं आया है, एक मूल ग्रंथ में जिनके पास होगा वो दे सकते हैं। एवं, अच्छा है पीपीटी आ रही ना आपका, मेरे मुझे सामने नहीं दी। एवं असौ एकत्वेन द्योतमानः शुद्ध नयत्वेन अनुभय अनुभूयते एव। इस तरह से असौ एकत्वेन द्योतमानः, यह जो एकत्व से प्रकाशमान होता है ऐसा वह जीव शुद्ध नय से अनुभूयत एव, अनुभव में आता ही है। या तो अनुभूति सा आत्मख्याति एव। और जब हम शुद्ध नय से नौ तत्वों को देखेंगे, जीव प्रकाशमान होगा। एक ज्ञायक भाव कहा था ऊपर, एक ज्ञायक भाव जानुगो दुजो भावो, बस वो आत्मा ही तो है, वो प्रसिद्ध होगा। आत्मख्याति, वही तो आत्मख्याति है, आत्मख्याति एव। और ऐसी आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मख्यातिस्तु सम्यक दर्शनमेव, आत्मा की ख्याति है वह सम्यक दर्शन ही है। इति समस्तमेव निर्वद्यम। इसलिए ये बात निश्चित है कि भूतार्थ से नव तत्वों को जानते हैं तो सम्यक दर्शन प्रकट होता ही है, ये बात बिल्कुल निर्बाध है, त्रिकालावादित सत्य है। जिन्होंने भी अपनी शुद्ध नय की दृष्टि की, आत्मा प्रकट हुआ, आत्मख्याति हुआ और सम्यक दर्शन निश्चित रूप से प्रकट हुआ, इसलिए ये बात सभी निर्बाध है निश्चित रूप से। और अब ये आगे क्रमशः शुद्ध नय की तरफ भी बढ़ेंगे। पुनः ये आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, प्रमाण नय निक्षेप से कैसे होती है, इसकी चर्चा भी आगे टीका में आगे लेने वाले हैं, उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे, सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।